बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर शबाज, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम मैथमेटिक ग्रेड 7 की बात करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, यूनिट 3, नेम ऑफ द यूनिट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर हम ऑलरेडी अपने कुछ एसएलओ जो है वो कवर कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं आज का एसएलओ हमारा क्या है। कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ इंटीजर होल नंबर रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर अप टू 3 डिजिट्स। स्टूडेंट्स, एसएलओ हमारा ये है कि अगर हमारे पास होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो जिनके अंदर पॉइंट्स आता है, उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन हम इसी एसएलओ के अंदर स्क्वायर निकाल चुके हैं इन तमाम नंबर्स का। आज स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं टू डेज कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैंने कहा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ स्क्वायर के रेलेवेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इनमें कुछ हैं, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या है, या फॉर एग्जांपल आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो देन आंसर जो आता है क्या वो उस फ्रैक्शन से छोटा आता है या बड़ा आता है। तो इसी तरह डेसीमल की भी बात करें, अगर हमारे डेसीमल जो हैं वो लेस देन 1 होंगे स्टूडेंट्स, उनका भी स्क्वायर लेके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या वो जो डेसिमल है उससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो ये तमाम हमारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फर्स्ट स्टूडेंट देखें जरा, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप कभी भी किसी नंबर को देख के उसके बारे में बता सकते हैं कि उसके स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, या उसका आंसर जो आएगा क्या वो उस नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट। देखें, जैसा कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, एंड सेकंड हमारा क्या, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। स्टूडेंट, बेसिकली हम दो बातें कह रहे हैं, अगर हमारा कोई इवन नंबर है स्क्वायर लेंगे तो जो स्क्वायर हमें मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर। अगर नंबर हमारा ऑड है उसका स्क्वायर ले रहे हैं तो जो आंसर मिलेगा वो भी हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स नंबर आप लोगों के सामने है, पहला नंबर आपका क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या मिलेगा, 1। अब देखें 1 आपका ऑड है इसलिए आंसर 1 मिला, जो कि ऑड ही है। ऑन द सेम लाइन अगर 2 की हम बात करें तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 आएगा, 2 हमारा इवन नंबर है, 4 भी इवन है जैसा कि हमने राइट भी किया है। 3 का स्क्वायर लें, आंसर इज 9, 3 चूंकि ऑड है तो जो आंसर हमें मिला वो भी स्टूडेंट्स क्या मिला, ऑड ही, 9 इज ऑड नंबर। 4 आपका क्या है, इवन नंबर, इसका स्क्वायर ले 16 मिला, तो 16 भी स्टूडेंट्स आपका क्या है, इवन है। अगर 5 की बात करें तो आंसर इज 25, 5 आपका ऑड नंबर है इसलिए 25 भी आपका क्या है, ऑड है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। इसलिए कि अगर कोई भी नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर आपका क्या आना है, इवन। अगर नंबर ऑड है तो स्क्वायर ऑड ही आएगा। जैसे कि मैं किसी बड़े नंबर की बात करता हूं, मैं 12 की बात करता हूं, तो स्टूडेंट्स 12 जो है वो हमारा इवन है। अब अगर मैं 12 का स्क्वायर लूं तो आंसर इज 144, तो 144 भी स्टूडेंट्स आपका क्या है, इवन। तो ये दो बातें हमने क्लियर कर ली, इवन नंबर का स्क्वायर इवन, और अगर ऑड नंबर है तो स्टूडेंट्स उसका जो स्क्वायर है जो आंसर मिलेगा वो भी ऑडी होगा। नेक्स्ट, अगर आपका द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल आपका 1/2 है तो न्यूमिनेटर में आपका 1 एंड डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या है, 2, तो 1/2, 1 चूंकि 2 से लेस है इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन
प्रॉपर कोई भी फ्रैक्शन उस वक्त प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी इफ इट्स न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल 1/2 के स्टूडेंट्स आपको दिए, इसी तरह मैं अगर 3/5 की बात करूं तो ये हमारे क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल 3/5 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमने एग्जाम्पल ले ली, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका स्क्वेयर लेके देखना है आंसर क्या, जो अब हमारा जो नंबर है जो स्क्वेयर आएगा क्या इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा, हमें ये देखना है। तो अगर फ्रैक्शन की बात करें जो कि 3/5 है, सिंप्लीफाई करें तो 0.6 आता है, इसका स्क्वेयर लें दोनों, मतलब आप स्क्वेयर लेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/5 है 3/5, 3 × 3 इज 9, 5 × 5 25। अगर इनको अगेन से डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.36 है, ये आपका 0.6 है जिस नंबर का आप स्क्वेयर लेना चाहते थे, यानी जो फ्रैक्शन, और लेने के बाद हमें आंसर स्टूडेंट्स मिला 0.36। तो यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आंसर है वो लेस है किससे, जिस फ्रैक्शन का हम स्क्वेयर क्या है ले रहे थे। तो यही लिखा है, वी हैव ऑब्जर्व दैट 9/25 इज लेस देन 3/5, दैट इज द स्क्वेयर ऑफ 3/5 इज लेस देन 3/5, यानी 3/5 का अगर स्क्वेयर लें, ये इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम स्क्वेयर लेंगे तो जिस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वेयर ले रहे हैं आंसर उससे क्या आ जाएगा, लेस। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्क्वेयर की 1/2 का स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर आता है 1/4 जो कि लेस है 1/2 से। तो सिंपली वेरी इजी, कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जो है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, जब उसका आप स्क्वेयर लेंगे जो आंसर मिलेगा वो लेस हो जाएगा उस फ्रैक्शन का जिसका हम क्या ले रहे हैं स्क्वेयर। सिंपली इतनी सी बात आपने याद रखनी है। तो कोई भी हो, जैसे मैंने एग्जांपल 3/5 लिखा है, तो 3/5 की एग्जांपल हम ले लेते हैं, 3/6 की एग्जांपल ले लेते हैं, 3/8 की एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 की ले लेते हैं, तो ये सारी हमारी क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्वेयर लेने के बाद हमें आंसर उस फ्रैक्शन से क्या मिलना है, लेस ही। सिंपली आप माइंड में रखें। नेक्स्ट, द स्क्वेयर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल, ये भी सिंपली उसी तरह फ्रैक्शन के है स्टूडेंट्स बेसिकली। तो ये जो बात है ये फ्रैक्शन वाली ही है, मतलब कैसे, अगर आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जब उसे डिवाइड करेंगे तो 0. something आंसर मिलना है, यानी वो 1 से लेस ही मिलता है। जब 1 से लेस मिलेगा तो डेसिमल के अंदर जब हम बात करें कि ऐसी डेसिमल जो 1 से लेस हैं, तो वो बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने से ही हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से लेस आएगा। तो ये भी ऑन द सेम लाइन है, जैसे हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो डेसिमल भी ऑन द सेम लाइन ही। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई डेसिमल 1 से लेस है, जैसे मैं कहता हूं 0.12 है, तो ये क्या है हमारा 1 से लेस है, जब इसका हम स्क्वेयर फाइंड आउट स्टूडेंट्स करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो अगेन से उस डेसिमल से क्या हो जाएगा और लेस हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डेसिमल नंबर विच इज लेस देन 1, देन इट्स स्क्वेयर विल ऑल्सो बी लेस देन दैट डेसिमल। तो वही बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारा डेसिमल 1 से लेस है उसका स्क्वेयर लेंगे तो जो हमारा डेसिमल है उससे स्क्वेयर जो आंसर आएगा वो मजीद लेस होगा। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये कुछ नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर्स हैं, और ये स्क्वेयर नंबर यानी स्क्वेयर लेने के बाद जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.1, इसका स्क्वेयर लेंगे तो 0.01 मिलेगा। अब यहाँ आप कंपेयर करें, 0.1 ग्रेटर है 0.01 से, तो यानी जो स्क्वेयर नंबर आया वो और आपका क्या हो गया, लेस हो गया प्रीवियस जो आपका डेसिमल है। इसी तरह 0.2 है, 0.04, और 0.6 का स्क्वेयर लेने के बाद 0.36 है, और 0.025 का स्क्वेयर लेने से स्टूडेंट्स आपके सामने है, और 0.50 आंसर लिया तो आपका 0.25 मिला। तो सिंपली हमने ये देखा कि जो डेसिमल्स हैं जो 1 से लेस हैं उनका जब हम स्क्वेयर लेते हैं तो जो आंसर स्टूडेंट्स हमें मिलता है वो आंसर उन आपके डेसिमल से मजीद लेस आ जाता है। तो सिंपली आपने अपने माइंड में ये भी बिठा लेना है कि अगर कोई डेसिमल 1 से लेस है
स्क्वेयर जब हम निकाल लेते हैं तो एट द एंड जो हमें आंसर मिलता है जिसको हम स्क्वेयर्ड नंबर कहते हैं वो लेस देन दैट डेसिमल होता है जो कि हमारी प्रॉपर्टी में भी लिखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा क्या है तो सिंपली हमने चार बातें पढ़ी हैं, यानी हमारा जो स्क्वेयर है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हमने चार जो है वो बातें पढ़ी हैं। अगर इवन नंबर का स्क्वेयर लेते हैं तो इवन आता है, ऑड नंबर का स्क्वेयर लेते हैं तो ऑड आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का जब स्क्वेयर लेते हैं जो आंसर मिलता है वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन से मज़ीद लेस आ जाता है, और अगर हम डेसिमल की बात करें जो कि वन से लेस हैं तो उनका भी स्क्वेयर लेने से जो हमें आंसर मिलता है वो मज़ीद उस डेसिमल से क्या है, लेस मिलता है। ये आज हमने इस पूरे एसओलो के अंदर डिस्कस किया। रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन बैंक, थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर स्टूडेंट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।